नमस्कार, मैं हूँ रीना यादव। आप देख रहे हैं NBTV। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बैतूल जिले में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने वाली लड़ाई में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की मदद करने में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक भी पीछे नहीं है। वहीं बैतूल जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी को देखते हुए शहर के ग्रीन टाइगर ग्रुप ने आगे बढ़कर खुद ही वॉलंटियर बनने की शुरुआत की है। इस ग्रुप में 20 सदस्य हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक सभी शामिल हैं। हमारे संवाददाता अमित पवार ने बताया कि ये ग्रुप इन दिनों जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर 8 घंटे तक तैनात नजर आ रहा है। ग्रुप के सदस्य अस्पताल में किसी भी इमरजेंसी सेवा के लिए स्टाफ की मदद करने को तैयार हैं। जिला अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल को लेकर भी ये ग्रुप लगातार प्रेरित कर रहा है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 3 शिफ्टों में इस ग्रुप के सदस्य ड्यूटी करते हैं और लोगों को जिला अस्पताल के अंदर जाने से पहले ही उनके हाथ सैनिटाइज करके और मास्क देकर उन्हें कोरोना से बचाव की जरूरी बातें समझा देते हैं, जिससे अस्पताल के स्टाफ का पूरा ध्यान अपने बाकी कामों पर केंद्रित रह सके। ग्रुप के सभी सदस्य अलग अलग प्रोफेशन में हैं, लेकिन वो अपना कीमती वक्त फिलहाल कोरोना आपदा को समर्पित कर रहे हैं। थोड़ा तो चेहरा दिख, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सैयद इमरान अली। डॉक्टर साहब बताएं, किन किस प्रोफेशन के लोग आपकी टीम में शामिल हैं? हमारे ग्रीन टाइगर ग्रुप में लगभग सारे प्रोफेशन, इसमें डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, टेक्नीशियंस है और उसमें कुछ व्यवसायी भी लोग हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। तो कैसे समय निकाल पा रहे हैं अभी आप लोग? अभी हम लोगों ने यह है कि जो 20 लोगों की जो टीम है उसमें हमने 3 शिफ्ट में डिवाइड किया है और सबको अलग अलग शिफ्ट में, जैसे जिनके कार्य के अनुसार और जिनके अपने समय के अनुसार उनकी शिफ्ट डिसाइड करके उनकी 3 शिफ्ट बना दी है और 3 शिफ्ट में वो लोग काम करेंगे। 24/7 लग रहे हैं? नहीं, 24/7 नहीं, एक्चुअली OPD का जो टाइम है 8 से लेके 6 बजे तक के, जब तक यहाँ क्राउड रहता है, तो प्रशासन ने भी यही आदेश दिया कि आपको OPD को मैनेज करना है, OPD का जो बल्क में पेशेंट आते हैं उनको मैनेज करना है, तो इसलिए हम सिर्फ OPD तक ही सेवा दे रहे हैं, IPD में हमारा कोई औचित्य नहीं। क्या नाम है आपका? तरुण वैद्य। तरुण जी, ये बताइए कि आप लोग अभी यहाँ पर क्या ड्यूटी निभाने के लिए सब लोग आए हैं, कितने लोग हैं आपकी टीम में? ग्रीन टाइगर्स की हमारी एक संस्था है जिसमें 20 सदस्य यहाँ पर सुबह 8 से शाम के 4 तक अपनी ड्यूटी देना चाहते हैं, जिसमें हॉस्पिटल के अंदर स्वप्रेरणा से हम लोग खुद हॉस्पिटल में सहयोग देने के लिए और अधिकारियों के इंस्ट्रक्शन को मानते हुए, उनके दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए यहाँ पर सामाजिक दूरियों को बनाना, हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में सुधार लाना, स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना और आए हुए मरीजों को गंतव्य पर पहुंचाना, जिससे कि वो इधर उधर भीड़भाड़ ना बढ़ाए, ये हम लोगों के मुख्य कारण और मुख्य उद्देश्य। कब तक करेंगे अभी ये सर्विस? जब तक हमारे को शासन आदेश, मतलब प्रशासन हमसे सहयोग मांगता रहेगा, तब तक हम करने को तैयार है। वैसे अभी हम 14 अप्रैल तक कंटिन्यू इस कार्य को करेंगे।